हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैं क्लासेस 9, 10th के लिए साइंस लेता हूँ, 11, 12th जेई और नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूँ। इसके अलावा मैं बहुत सारे स्कूल्स के अंदर वैल्यू एडेड सेशंस भी कंडक्ट करता हूँ, जैसे करियर काउंसलिंग, स्ट्रीम सिलेक्शन, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, क्रैक द बोर्ड सेशन एंड सो ऑन। ये सारे वैल्यू एडेड सेशंस मैं आप लोगों के लिए भी जरूर अपलोड करूंगा, पर सही समय आने पर। फिलहाल हम आज कर रहे हैं क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पी ब्लॉक, जिसका पहले का लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने बहुत बेसिक चीजों को पढ़ा था और आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 15 की। तो ग्रुप 15 हमने शुरू किया था पिछली क्लास के अंदर और हमने देखा था कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज या टर्म्स थी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। जैसे पहली टर्म जो हमने पढ़ी थी वो थी इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो दो टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो कितना होता है बेटा +5, और दूसरा उससे 2 units लेस जो कितना होता है +3। ऊपर के एलिमेंट्स जैसे फॉस्फोरस +5 शो करते हैं, नीचे के एलिमेंट्स लाइक बिस्मत +3 शो करते हैं। दूसरा हमने एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो थी मल्टीपल बॉन्डिंग की। तो नाइट्रोजन जो है वो पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है, लेकिन फॉस्फोरस जो है वो डी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है, या फिर डी पाई बाकी के एलिमेंट्स मल्टीपल बॉन्डिंग शो करते हैं। फॉस्फोरस डी पाई इसलिए शो करता है क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल है, और नाइट्रोजन पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग इसलिए शो करता है क्योंकि एक तो इसका वीक बॉन्ड होता है सिंगल, और नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। एंड तीसरा जो हमने इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ी थी वो थी एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन, एंड कुछ केसेस के अंदर डी ऑर्बिटल जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, पर पी फॉस्फोरस में डी ऑर्बिटल जो है वो क्या है, प्रेजेंट है बाकियों के एलिमेंट्स में। और भी हम चीजें प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं तो हम उन्हीं के साथ इन चीजों को ऐड ऑन करेंगे। अभी हम आगे और भी चीजें पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, और ऑक्सीडेशन नंबर से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है, वो ये होती है कि लेट सपोज ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता रहता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, कोवैलेंट नेचर इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से एसिडिक नेचर क्या करता है, डिक्रीज, एंड वाइस वर्सा। तो इन चार पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए हम आगे अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो पढ़ने वाले हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टी हमारी आती है इनका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, और ये क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स। अगर हम हाइड्राइड्स के बॉन्ड एंगल को देखें तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है। मैं आपको अमोनिया की शेप ड्रॉ करके दिखा देता हूं। एक लोन पेयर हो गया और 3 बॉन्ड्स हो गए हाइड्रोजन के साथ, तो शेप जो है वो क्या हो गई, पिरामिडल, एंड हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या हो गई, sp3। तो ये जो बॉन्ड एंगल है नाइट्रोजन और एच के बीच में, ये सबसे ज्यादा अमोनिया के केस में होता है 107 डिग्री का। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम है
वो साइज में छोटा है, जिसकी वजह से बॉन्ड्स आपस में पास हो जाते हैं, तो वो एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करते हैं। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन एडजेसेंट बॉन्ड्स के बीच में अमोनिया में सबसे ज्यादा होता है। क्यों? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज बॉन्ड्स आर क्लोज, हेंस रिपल्शंस आर हाई। दूसरा, अगर हम बात करें बेसिक नेचर की, मतलब एच पॉजिटिव एक्सेप्ट करने की, तो लोन पेयर तो सबके पास होता है, ठीक है ना? बट लोन पेयर कॉन्सेप्ट जो होता है वो अमोनिया का डोनेट करने का जो है वो सबसे ज्यादा होता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। तो एच पॉजिटिव या तो वो एक्सेप्ट कर ले या लोन पेयर क्या कर ले, डोनेट कर ले। तो साइज सेंट्रल एटम का जैसे जैसे बढ़ता रहता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से उसको डोनेट करने की टेंडेंसी जो है वो कम हो जाती है। इसलिए अमोनिया छोटे साइज का होने की वजह से इजीली डोनेट कर देता है, इजीली डोनेट्स लोन पेयर, इसलिए क्या हो जाता है, अच्छा लुइस बेस। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। पहले तो ये ध्यान रखना कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी है एक तरह की, जो बिटवीन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है? आती तो हाइड्राइड्स के अंदर है पर बिटवीन मॉलिक्यूल्स है। इसके अंदर अगर आप देखें तो फॉस्फीन का सबसे कम आ रहा है, आर्सेनिक का उससे ज्यादा आ रहा है, अमोनिया का काफी ज्यादा आ रहा है। सर ऐसा क्यों है कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा आ रहा है? क्योंकि अमोनिया अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इस रीजन की वजह से। हालांकि बिस्मथ नेचर में आयोनिक होता है तो वो नेचर में क्या हो जाता है, सॉलिड, बट अमोनिया से कंपेयर किया जाता है। तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, लेकिन बाकियों का उससे कम है क्योंकि उनके बीच में वैंडरवॉल फोर्सेस आ जाते हैं जो कंपेंसेट कर देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें अगर, तो मेल्टिंग पॉइंट में भी अमोनिया ज्यादा आता है, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, बाकी हाइड्राइड्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी। कौन सा मॉलिक्यूल का बॉन्ड विद हाइड्रोजन स्टेबल है? अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है और बिस्मथ का भी सिंगल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन के साथ, बट बॉन्ड लेंथ बिस्मथ बॉन्ड एच की ज्यादा बड़ी होती है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इनकी क्या हो जाती है, वीक। तो बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कमजोर। इसलिए अमोनिया मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है। तो डिक्रीज इन द बॉन्ड स्ट्रेंथ इज ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेंट्रल एटम। तो बिस्मत का सेंट्रल एटम जो एक्ट कर रहा है वो साइज बड़ा है। सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी आती है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, मतलब टेंडेंसी टू गिव हाइड्रोजन, टेंडेंसी टू गिव हाइड्रोजन। अब आप खुद देख लीजिए, नाइट्रोजन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ छोटा है, बिस्मत का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बड़ा है, तो ये आराम से ब्रेक करके हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। तो डिक्रीज अगर थर्मल स्टेबिलिटी का होगा तो हाइड्रोजन लिबरेट करने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ जाता है, राइट?
तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज हाइड्राइड्स के बेस के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ। एग्जाम्पल नंबर 2 है एनसीईआरटी का, कहते हैं फॉस्फीन का बॉइलिंग पॉइंट कम है अमोनिया से, क्यों? सिंपल, क्योंकि अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या बन जाता है, लिक्विड, इसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है अमोनिया का ज़्यादा है। फॉस्फीन में फॉस्फोरस बॉइलिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर पाता, क्योंकि फॉस्फोरस का सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होता है, तो फॉस्फीन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया जैसे शो नहीं करता ड्यू टू इट्स बिग साइज। वैसे वो कहते हैं कि बिस्मथाइन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है बाकी से कंपैरेटिवली, क्योंकि बिस्मथाइन के अंदर बिस्मत बॉन्ड हाइड्रोजन की लेंथ सबसे ज्यादा है, क्योंकि बिस्मत का साइज ऑफ एटम सबसे बड़ा होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाता है। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे मूव करते हैं बॉन्ड लेंथ बढ़ती रहती है, इसलिए उसको तोड़ना आसान हो जाता है, इसलिए हाइड्रोजन जल्दी इजीली रिलीज हो जाता है। अगेन कहते हैं व्हाई डज अमोनिया फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन का साइज छोटा है एंड इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस वजह से नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की काफी ज्यादा होती है देन हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस, जिसकी वजह से एन बॉन्ड एच काफी ज्यादा पोलर होता है, जिसकी वजह से वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, जिसकी वजह से वो लिक्विड है। लेकिन फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से पीएच बॉन्ड इतना ज्यादा पोलर नहीं होता, तो इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कम हो जाता है, राइट? एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन, ये हमने पहले भी किया था थोड़ा जैसा, कहते हैं द एन एच एन एंगल वैल्यू जो है वो एच पी एच से काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एच ए एस एच से एंड सो ऑन, क्यों? एक तो इसका रीजन ये है कि नाइट्रोजन का साइज छोटा है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ सेंट्रल एटम एन, N bond H are close to each other. Hence, repulsions are high. ठीक है, एक तो उसका रीजन जी हो गया, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3, जिसके अंदर उसका बॉन्ड एंगल जो है वो ऑलमोस्ट 107.8 डिग्री के आसपास आता है, लेकिन नीचे जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की कम होती रहती है, जिसकी वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाती और सिंपल S और P ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। हम बात कर रहे हैं बिस्मथाइन के केस के अंदर, बिस्मत का ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होता, वो सिंपल मेटल है, तो वो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग शो करता है। इस वजह से बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन के थोड़ा दूर होते हैं सेंट्रल एटम के सेंटर पर, इस वजह से बॉन्ड पेयर रिपल्शन मैक्सिमम होती है PH3 के अंदर, पर स्टिबाइन के अंदर जाते जाते कम हो जाती है, SbH3 में पहुंचते कम हो जाती है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर का ऑर्बिटल है वो छोटा है, वो इजीली अकोमोडेट हो जाता है,
लेकिन बाकी जो सेंट्रल एटम होंगे जैसे बिस्मथाइन या स्टिबाइन, उस केस में यहाँ पे जैसे फास्फोरस है तो इसका जो ऑर्बिटल है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बाकी केस के अंदर जो ऑर्बिटल आएगा वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से लोन पेयर दूर हो जाता है। जब लोन पेयर दूर हो जाता है तो सिंपल हाइब्रिडाइजेशन ना होकर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो जाती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन। कहते हैं वाई NH3 बेसिक होता है, BiH3 फीबली बेसिक है। NH3 बेसिक इसलिए वो इजीली लोन पेयर डोनेट कर देता है, इजीली डोनेट्स अपना लोन पेयर, क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज छोटा है। कहते हैं बेसिक नेचर इज एक्सप्लेन ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल एटम पर। नाइट्रोजन का साइज काफी छोटा होता है कंपेयर टू बिस्मथ, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम के ऊपर काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बिस्मथ। तो आप देख सकते हैं वही चीज दोबारा आ गया कि नाइट्रोजन का ऑर्बिटल लोन पेयर वाला स्मॉल है साइज के अंदर, बट बिस्मत का जो ऑर्बिटल है लोन पेयर वाला वो काफी बड़ा है, तो इसलिए ये इतनी आसानी से डोनेट नहीं किया जा सकता। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं, जो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं हमारे, बट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो सेकंड हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं ग्रुप 15 के साथ वो है हैलाइड्स। हैलोजन्स के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके ये ट्राई और क्या बनाते हैं, पेंटाहेलाइड्स। ट्राई हेलाइड्स को हम लिख सकते हैं एम, एम हो गया हमारा सेंट्रल एटम X3, और पेंटाहेलाइड्स को हम लिख सकते हैं M X5। सबसे पहले तो हम बात करते हैं पेंटाहेलाइड्स की। नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। जो सबसे सिंपलेस्ट पेंटाहेलाइड हमारे पास है वो है PCl5। फास्फोरस का सिंगल बॉन्ड क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड क्लोरीन के साथ, तो ये तीन बॉन्ड जो होते हैं इक्वेटोरियल होते हैं। और दो बॉन्ड इनके परपेंडिकुलर प्लेस किए जाते हैं। तो इन पेंटाहेलाइड्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई, SP3D, और शेप क्या हो गई, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। कहते हैं पेंटाहेलाइड्स कम थर्मल स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू ट्राईहेलाइड्स। क्यों? ड्यू टू टू एम बॉन्ड एक्स, जो कौन से होते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स, ये लॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, वीक, इसलिए जल्दी टूट जाते हैं। ये जो तो परपेंडिकुलर रखे गए हैं ना, ये एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, ये लंबे होते हैं, ये जल्दी ब्रेक कर जाते हैं। कहते हैं पेंटाहेलाइड्स लुइस एसिड होते हैं। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, स्पेशली PCl5, PF5, SbF5 एटसेट्रा। क्यों? अब आप खुद ही देख लीजिए, PCl5 के अंदर आउट ऑफ फॉस्फोरस एंड क्लोरीन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्लोरीन की। अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की तरफ शिफ्ट करती है, 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 तो फास्फोरस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल कम हो जाती है,
जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाते हैं। बात करते हैं ट्राइहैलाइड्स की, तो अगर हम ट्राइहैलाइड्स की बात करें तो हमारे पास नाइट्रोजन ट्राइहैलाइड बनाता है, तो हमने यहाँ पे F ले लिया NF3। शेप हमारी क्या हो गई? पिरामिडल। और हाइब्रिडाइजेशन हमारी क्या हो गई? SP3। ये मेनली कोवैलेंट होते हैं, लेकिन BIF3 जो है वो आयनिक होता है, क्योंकि बिस्मथ मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है, तो इसलिए बॉन्ड आयनिक हो गया। लेकिन आयनिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या रहता है? इंक्रीज करता रहता है, तो ऊपर कोवैलेंट नेचर ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। ये शेप में पिरामिडल है, मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया। कहते हैं ये आराम से हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन ट्राइहैलाइड्स हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। क्यों? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो इसके पीछे रीजन क्या है? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। कहते इनएबिलिटी ट्राइहैलाइड की नाइट्रोजन के हाइड्रोलाइज ना करने की, वो इस रीजन की वजह से है कि इनके पास खाली डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो ये थे हमारे हैलाइड्स ग्रुप 15 के। जो थर्ड हमारी केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट हम इस चैप्टर के इस लेक्चर के हिसाब से हम ये लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, दैट इज रिएक्शंस मेटल्स के साथ। अब ग्रुप 15 वाले नॉन मेटल हैं, अब मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसमें से काफी तो नेचर में आयनिक होते हैं। और इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -3, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये नॉन मेटल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जैसे ये हो गया कैल्शियम नाइट्राइड, ये हो गया कैल्शियम फॉस्फाइड, ये हो गया सोडियम आर्सेनाइड, जिंक स्टीबाइड, मैग्नीशियम बिस्मथाइड। फोर्थ जो हमारी प्रॉपर्टी है इनके साथ, दैट इज व्हाट? ऑक्साइड्स। ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं, लेकिन सारे ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के, जिसमें से NO एंड N2O के अलावा जितने भी ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के और फास्फोरस के, ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक हैं, क्योंकि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस अच्छे खासे नेचर में क्या हैं? नॉन मेटालिक। तो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। लेकिन आर्सेनिक के ऑक्साइड्स वीकली एसिडिक हैं, एंटीमनी के एम्फोटेरिक हैं, और बिस्मथ के वीकली बेसिक हैं, क्योंकि बिस्मथ इज अ लेस रिएक्टिव मेटल, इस वजह से। अगेन ये दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, E2O3 जिसके अंदर इनका ऑक्सीजन स्टेट +3 होता है, और E2O5 जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। अब ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज करती है, एसिडिक नेचर ऑक्साइड का इंक्रीज करता है, क्योंकि कोवैलेंट नेचर इंक्रीज करता है। लेकिन एसिडिक नेचर ऑक्साइड्स का नीचे जाते जाते कम हो जाता है, क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर नीचे जाते जाते कम हो जाता है और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज जो है वो समझ में आए। कहते हैं पेंटाहैलाइड्स ज्यादा कोवैलेंट क्यों होते हैं ट्राइहैलाइड से? अभी हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज करता है तो उस एलिमेंट का कोवैलेंट नेचर क्या करता है? इंक्रीज। हेंस एसिडिक नेचर
क्या करता है, इंक्रीज। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, कोवैलेंट नेचर इंक्रीजेस, मतलब प्रेफर्स टू शेयर इलेक्ट्रॉन, प्रेफर्स टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतना ज्यादा वो प्रेफर करेगा इलेक्ट्रॉन्स शेयर करना, राइट। तो ये हमारा रीजन था। तो आई होप बच्चों आपको हमारा आज का ये लेक्चर जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 के ऊपर बेस्ड था, इससे पहले के लेक्चर में हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे ग्रुप 15 के, अब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं ग्रुप 15 की, और बाकी के लेक्चर में हम ग्रुप 15 के कुछ एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन लेक्चर्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग और बेटर बना सकें। आपका कोई भी डाउट है टॉपिक, चैप्टर, क्वेश्चन से रिलेटेड, आप मुझे लिख सकते हैं, मुझे कॉल कर लिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं बिना किसी चार्ज के फ्री ऑफ कॉस्ट आपके डाउट्स को सॉल्व करूँगा, कोई भी चार्ज नहीं लूँगा। अगर मुझे उसके लिए एक लेक्चर भी बनाना पड़े तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, मैं कुछ भी आपसे चार्ज उसके लिए भी नहीं करूँगा। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर कीजिए ताकि जो नए नए मेरे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे करके, वो भी उन लेक्चर्स का बेनिफिट उठा सके, उनको भी नोटिफिकेशन मिल सके। एंड सबसे बेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि चैनल्स के सब्सक्राइब करने पर आपको पहले के लेक्चर्स जो मैंने अपलोड कर दिए हैं वो भी मिल जाएंगे, और नए नए लेक्चर्स जो मैं अपलोड कर रहा हूँ और दूसरी क्लासेस के लेक्चर्स भी आप शेयर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लाइक फॉर 11th क्लास के लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। तो मैं और भी लेक्चर्स धीरे धीरे अपलोड करने वाला हूँ। टिल देन यू टेक केयर, स्टडी हार्ड, एंड विल बी बैक सून। Bye-bye from School of Science.